NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष गौरव सिंह से मुलाकात करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह आगरा पहुंचे और की जेल में उनसे मुलाकात। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि छात्र नेताओं पर हो रहे उत्पीड़न को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं भाजपा सरकार जिस तरह से छात्र नेताओं का शोषण कर रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवा रही है, उनको जेल भेज रही है, ऐसी धमकियों से कांग्रेस पार्टी कतई डरने वाली नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेगी और छात्र हित के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। इस प्रकार की कार्यवाही से छात्रों को और मजबूती प्रदान होगी। छात्रों नेताओं की शुरुआत का प्रथम चरण जेल जाने से शुरू होता है। जो कार्यकर्ता जेल जाता है वह वही अच्छा नेता बनता है। वही आज हम जो आगरा आए हैं अपने छात्र नेताओं को बल देने के लिए आए हैं और ये बताने आए हैं कि भाजपा सरकार से डरने की जरूरत नहीं, आप उसका पुरजोर विरोध करें। कांग्रेस पार्टी आपके साथ तन मन धन से साथ खड़ी है। छात्र संघ को समाप्त कर दिया है। जहां पहले राजनीति प्रथम पाठशाला छात्र राजनीति होती थी, हम सब लोग भी छात्र संघ की राजनीति से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। छात्र संघ का इतिहास काफी पुराना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर आगरा यूनिवर्सिटी से लेकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी तक, गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित राजनीति के पौधशाला को ही पूरी तरह दमन कर देना चाहती है। आखिर कौन सा ऐसा कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार छात्र संघ की बहाली क्या दमन करना चाहते हैं, छात्र राजनीति में छात्र नेताओं को आगे नहीं आने देना चाहते? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि छात्र संघ का चुनाव होने से रोक रहे हैं? अगर लगातार आगरा यूनिवर्सिटी का एक नौजवान छात्र संघ बहाली को लेकर आंदोलन कर रहा है तो उसे जेल की सलाखों में जाना पड़ रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का उपाध्यक्ष अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद में आंदोलन कर रहा है तो उसे जेल की सलाखों में जाना पड़ रहा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर गोरखपुर के छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें जेल में जाना पड़ रहा है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है? आपातकाल जैसी स्थिति लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस आंदोलन के साथ जुड़ेगी और मजबूती के साथ छात्र संघ की बहाली के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। निश्चित मुलाकात होने के बाद हमारा साथी के हौसले को हम सब लोगों ने बढ़ाया और निश्चित राजनीति में जेल इनाम हुआ करता है। अगर जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाला व्यक्ति, छात्र हित के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति या सरकार के दमन के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को कोटम कोटि प्रणाम है और निश्चित हम उनकी भावनाओं के साथ, उनके आदर के साथ, उनकी लड़ाई के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और हम सब लोग निरंतर लड़ने का काम करेंगे। दो दिन पहले एक मुलाकात।